अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो आज का मेरा टॉपिक है कि आप अपने सिस्टम की जो हाई मेमोरी यूजेज होती है उसको फिक्स कैसे कर सकते हैं। हाई मेमोरी यूजेज यानी कि रैम जो बैकग्राउंड में उसकी हाई यूजेज होती है उसको फिक्स कैसे करना है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो हाई मेमोरी यूजेज को आपने फिक्स करने के लिए स्टार्ट मेन्यू में आकर आपको यहाँ पर टाइप करना है रेग एडिट एंड रजिस्ट्री एडिटर ओपन। जैसे ही रजिस्ट्री एडिटर ओपन हो जाए आपको यहाँ पर थर्ड नंबर पर एच की लोकल मशीन ओपन एंड यहाँ पर सिस्टम और उसके बाद कंट्रोल सेट 001 इसे ओपन करना है और उसके बाद यहाँ पर सर्विसेज एंड स्क्रॉल डाउन और आपको यहाँ पर फाइंड करना है NDU। NDU ओपन एंड आपको यहाँ पर राइट साइड में आकर यहाँ पर स्टार्ट स्टार्ट पर डबल क्लिक करके आपसे ओपन करना है और यहाँ पर आपने इसकी वैल्यू चेंज करनी है। जैसे कि यहाँ पर 2 लिखा हुआ है आपने इसको 4 कर देना है यहाँ से 4 एंड क्लिक ओके। तो अगर आप विंडोज़ का कोई ओल्ड वर्जन इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपने NDU को डिसेबल करने के बाद आपने स्टार्ट मेन्यू में आकर यहाँ पर आपको टाइप करना है सर्विसेज और इसे ओपन करना है और इसे ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करके यहाँ पर आपको सुपर फीज फाइंड करना है। तो जैसे ही आपको यहाँ पर सुपर फीज मिल जाए आपको इसे डिसेबल कर देना है। जैसे कि मैं अभी विंडोज़ 10 का लेटेस्ट वर्जन इस्तेमाल कर रहा हूँ तो मेरे पास सुपर फीज नहीं होगा। तो अगर आप विंडोज़ का कोई ओल्ड वर्जन इस्तेमाल करें तो आपने सुपर फीज को डिसेबल कर देना है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब कर दें इस यूट्यूब चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।